आई एम सोन पारवे और आप देख रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड। तो आज हम करेंगे मोशन का लेक्चर नंबर 3, जो कि बहुत मतलब बेसिक भी नहीं होगा और कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा, लेकिन बढ़िया लेक्चर होगा। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि क्या एवरेज वेलोसिटी होता है, क्या एवरेज स्पीड होता है, लेकिन हमने उस पर न्यूमेरिकल नहीं किए थे। तो इस वीडियो में हम उस पर न्यूमेरिकल लेंगे पहले तो, और फिर लेक्चर स्टार्ट करें। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल मैं देख रहा हूँ कि उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। तो ये न्यूमेरिकल है। पहले तो हमारा एवरेज स्पीड वाला प्रॉब्लम है हमारा पहला। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, ठीक है। तो 90 मीटर लॉन्ग पूल है, मान लीजिए यहाँ एक पूल है 90 मीटर लॉन्ग, ठीक है। ये 90 मीटर लॉन्ग का पूल है, देखिए 90 मीटर लॉन्ग पूल। तो फिर बोला गया है शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है। वन एंड टू अनदर एंड मतलब 180 मीटर डिस्टेंस कितना हुआ फिर 180 मीटर। पहले गिवन देख लेते हैं हम, ठीक है। गिवन क्या क्या हमें दिया गया है क्वेश्चन में और क्या क्या हमें निकालना है। डिस्टेंस इज 180 मीटर और टाइम कितना है, टाइम है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, ठीक है 60 सेकंड, ठीक है 60 सेकंड। तो फिर हमें बोला गया है कि टू अदर एंड एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। मतलब हमें एवरेज स्पीड निकालना है, देखिए हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, तो हमें तो पता ही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 180 मीटर और टोटल टाइम दिया गया है 60 सेकंड। और जो उषा है उसने क्या कर दिया, इस पॉइंट से इधर तक आई और बैक टूवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट, ठीक है। वापस से इस पोजीशन पर वो आ गई, मतलब ऐसे करके 180 मीटर ट्रैवल कर दिया, स्विम कर दिया, ठीक है। तो ये होगा डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड क्या है हमारी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 180 मीटर का डिस्टेंस है, टाइम 60 सेकंड का है, ठीक है 60 सेकंड। तो यानी कि ये कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड। और ये हो गए एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी को भी देख लेते। पहले तो उषा इधर से गई और फिर इसी बात पर वापस आई, मतलब इस डायरेक्शन में गई और फिर इसी डायरेक्शन में वो वापस आई, देखिए इस पॉइंट पर, मतलब यहां से इधर, लेकिन पॉइंट तो उसी पॉइंट पर, देखिए वो ही पोजीशन रही। इसका मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या का फॉर्मूला क्या है, पहले तो मिनट, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यार डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 मीटर, टाइम तो उतना ही है 60 सेकंड, तो कितना हो जाएगा ये देखिए 0 ही हो जाएगा, ठीक है 0 मीटर पर सेकंड। तो हमारा आंसर आ गया 0 मीटर पर सेकंड। अब अगले सवाल पर चलते। तो ये अब हम चलेंगे दूसरे न्यूमेरिकल पर। ये बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था वैसे। चलिए अब हम एवरेज स्पीड और वेलोसिटी का दूसरा न्यूमेरिकल हम देख लेते। चलिए तो दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है पहले ये देखते हैं। तो दूसरा न्यूमेरिकल, संदीप वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, देखिए संदीप वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब मान लीजिए पहले तो यहाँ संदीप है, संदीप्स होम है, ठीक है संदीप्स होम। तो ये यहाँ स्कूल पे गया, कितने स्पीड से जाते समय स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आते समय भी दिया गया है जो कि स्पीड है, ऑन हिज रिटर्न स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब आते समय भी स्पीड दी गई है 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड। अब देखिए जाते समय भी वो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है, आते समय भी वो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है, मतलब इस समय एक फॉर्मूला लगता है। पहली बात
तो ये इस समय एक फॉर्मूला लगता है, हम वो देखेंगे, फॉर्मूले से भी करेंगे और ऐसे मेथड से भी करेंगे, मतलब ट्रेडिशनल मेथड जो होती। तो जब डिस्टेंस देखिए सेम होता है तब एक फॉर्मूला लगता है। पहले तो हमें एवरेज स्पीड दिए गए हैं जाते समय आते समय। तो इस केस पर देखिए, ये पहली केस है जब डिस्टेंस जो है वो सेम है जाते समय भी आते समय भी। और इस समय हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, टू इस समय जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा जो भी, ठीक है एक मिनट, एवरेज स्पीड का जो भी फॉर्मूला होगा वो होगा टू वी वन वी टू बाय वी वन प्लस वी टू। मतलब ये एवरेज स्पीड है वी वन और वी टू जो हमें दी गई। ऐसे तरीके से भी हम ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और अगर सवाल में ऐसा दिया गया तो यहाँ पॉइंट ए है, ठीक है, मान लीजिए तो यहाँ से हमने मान लीजिए एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, कुछ भी डिस्टेंस टी टाइम में, मान लीजिए अगर हमने एक्स डिस्टेंस में हमने 40 किलोमीटर पर आवर से हम इधर से इधर चले गए, ठीक है टी टाइम में, तो हम बी बी पॉइंट तक पहुंच गए। अब बी से हम सी टी टाइम में 50 किलोमीटर पर आवर चले गए, ठीक है 50 किलोमीटर पर आवर ऐसे करके हम सी तक पहुंच गए। तब इस समय हमें पूछा जाता है कि बताओ एवरेज स्पीड क्या है। हमें एवरेज दो स्पीड दी होती है, ए टू बी, बी टू सी। अब हमें पूछा जाता है कि टोटल स्पीड क्या होगी। तो इस समय एक फॉर्मूला लगता है, ये सेकंड केस है, और इस समय एक फॉर्मूला लगता है एवरेज स्पीड का जो कि है वी वन प्लस वी टू बाय टू, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है आपको याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, तो ये बहुत मतलब ओलंपियाड सीएनटीएससी जो एग्जाम्स होते हैं केवीपीआई उसमें आते हैं, ठीक है ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। अब एक बात जो कि मैंने अभी बताई है कि डिस्टेंस यहाँ सेम होता है या टाइम, मतलब जाते हुआ जो हम गए हैं वो डिस्टेंस सेम है, आने वाला भी डिस्टेंस सेम है। मतलब मान लीजिए जाने 40 किलोमीटर पर आवर में जो गए हैं मान लीजिए वो D1 है और ये D2 है, तो यहाँ इस केस में क्या होगा, D1 is equal to D2। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मान लीजिए T1 है ये T2 है, और यहाँ भी T1 is equal to T2 होना चाहिए और होता ही है अगर क्वेश्चन ऐसा आया और आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम जो संदीप वाला न्यूमेरिकल था तो उस पर हम चलते हैं। तो चलिए मैं पहले इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। संदीप वाला न्यूमेरिकल हम देख लेते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था एनटीएससी के नजरिए से देखा जाए तो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं, 4 एमसीक्यूज, मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें फॉर्मूला लगाना होता है। हम ट्रेडिशनल मेथड तो हम स्कूल के लिए फाइनल एग्जाम्स के लिए करते हैं। तो क्या था, संदीप जग का जो हाउस था, देखिए हाउस था तो उसने हाउस से स्कूल तक गया, हाउस से स्कूल तक वो गया, ठीक है। हाउस से स्कूल तक जाने समय उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर उसने रखी, और आते समय स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर रखी, ठीक है। जाते समय 40 और आते समय 50, लेकिन यहाँ मैंने जैसे बताया, मान लीजिए डिस्टेंस वन है, ये डिस्टेंस टू है, यहाँ डिस्टेंस वन इज इक्वल टू डिस्टेंस टू, डिस्टेंस तो सेम है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के भी ये आ सकता, मतलब आंसर डायरेक्टली आएगा। कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे एवरेज स्पीड का, हम लगाएंगे टू एस वन S2 by S1 plus S2, या हम V1 भी कह सकते हैं, वैसे मैंने अब यह S1 कह दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए। लेकिन मान लीजिए अगर हमें ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना है, मान लीजिए अगर हमें ये फाइनल एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाए ऐसा न्यूमेरिकल, तो हम कैसे ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम पहले तो क्या करेंगे, जो हमें गिवन क्या दिया गया है, पहले हमें स्पीड दी गई 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए हमारी स्पीड क्या है, हम उसको S1 मान लेते हैं। तो S1 कितना है, 40 km पर आवर, ठीक है। और S2 कितना है, S2 कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें निकालना है D1, तो D1 मान लीजिए x रखिए, और D2 की भी हम डिस्टेंस तो सेम है, उसको हम x रखेंगे, ठीक है। जाते समय आते समय डिस्टेंस सेम है। अब टाइम, टाइम क्या रहेगा, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो टाइम हमें क्या, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि टाइम क्या है।
टाइम क्या है, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो एक्स है, ठीक है, डिस्टेंस तो एक्स है और ये स्पीड कितनी दी गई 40 किलोमीटर, ठीक है, दैट 40 मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ टाइम कितना हो जाएगा नीचे, तो एक्स तो डिस्टेंस है, एक्स अपॉन 50, आसान सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से हमने टाइम की भी वैल्यू निकाल ली। अब एवरेज स्पीड क्या है, पहले मुझे बताइए एवरेज स्पीड क्या है। मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ, डी वन प्लस डी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू, ठीक है। डी वन कितना दिया गया है, एक्स प्लस एक्स, ठीक है, एक्स प्लस एक्स, तो अपॉन में हम चलेंगे। टी वन कितना है, एक्स अपॉन 40 प्लस टी टू कितना है, एक्स अपॉन 50, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से डायरेक्टली हमारा ये जो आंसर है वो आ जाएगा। तो चलिए अब देखिए, एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस एक्स 2x, और ये 50x प्लस 40x अपॉन 50 into 40 कितना हो जाएगा 2000, ये 2000 डायरेक्टली ऊपर जाएगा, मतलब 2x into 2000 बाय 50 प्लस 40 कितना हो जाएगा 90x, ठीक है, x तो कट गया, 2 ones 245, और हम इसे करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 44.4 किलोमीटर, ठीक है, 44.4 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करते हैं इस बहुत, मतलब अगर ये ट्रेडिशनल मेथड है, हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आप करके देखिए, यही आंसर आएगा 44.4 किलोमीटर पर आवर। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, 40 प्लस 50 कर देते हैं, अपॉन 2 कर देते हैं, डायरेक्टली हम 45 कर दे, 45 जो आंसर है हमारा आपका वो रॉन्ग है, ठीक है, 44.4 ही सही आंसर है। तो ये हो गया दूसरा न्यूमेरिकल, अब हमें बढ़ना है आगे। तो पहले हम इसे कर लेते हैं, देखिए 2 into s1 स्पीड देखिए 40, और ये दूसरी स्पीड हो गई 50, s1 plus s2 कितना हो जाएगा, वैसे 90 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 into 40 50 into 2 into 2000 अपॉन 90। अब देखिए यही केस आ गया, देखिए यही केस यहाँ आ गया, तो हम क्या करेंगे, 2 ones 245 45 ones, और डायरेक्टली 44.4 किलोमीटर, चाहे तो आप देख सकते हैं डिवाइड करके, तो हमारा आंसर आ जाएगा 44.4 किलोमीटर पर आवर। तो ये बड़ा सा न्यूमेरिकल था, लेकिन हमें अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं तो इस फॉर्मूले ने हमारा काम आसान कर जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा करने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए ये सवाल फाइनल एग्जाम्स में या स्कूल आता है तो हमें यही करना पड़ेगा, इससे हमें इस फॉर्मूले से मार्क कट हो सकते हैं। तो चलिए अब हमें बढ़ना है आगे, तो हमने न्यूमेरिकल सब कर लिया, अब हमें देखना है एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, वैसे तो जो दोनों सेम है, तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमें देखना है एक्सेलरेशन क्या होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, और हमें ये भी देखना है कि रिटार्डेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अब मैं यहां लिखता हूं एक्सेलरेशन वेरिंग, मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, वेरिंग वेलोसिटी। अब इसका एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी का बदलना, ठीक है, वेलोसिटी में जो भी चेंज आता है तब एक्सेलरेशन आता है। सपोज मानिए कि अब वेलोसिटी से गाड़ी चल रही है, तो वेलोसिटी अचानक से राइज कर गई, अचानक से वेलोसिटी बढ़ गई, तो हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन बढ़ गया, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो बदल गई, बढ़ गई, जब वेलोसिटी में वैरी आता है, वेलोसिटी में चेंज आता है, अब वेलोसिटी बदल गई मतलब एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन कितने का हुआ, अब ये हम वेलोसिटी से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर बढ़ गई तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, ठीक है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, तो
एक्सेलरेशन में कोई बदल नहीं आएगा, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, ठीक है। सिर्फ वेलोसिटी बदलने से ही नहीं, वो कम टाइम में भी होना चाहिए, मतलब लिमिटेड टाइम में। मानिए अगर मैं कभी गाड़ी चला रहा हूँ तो उस समय मेरी सपोज 10 सेकंड में हमें गाड़ी एक्सेलरेट करनी है, बढ़ानी है। मैं पहले था जीरो पर, ठीक है। अब अगले 10 सेकंड में मैं सपोज मान लीजिए मैं जीरो पर था और अगले 10 सेकंड के बाद मैं डायरेक्टली 30 किलोमीटर पर आ गया, ठीक है। तो मेरे मतलब जो भी इंसान है जो ऑटो चल रहा है उसकी लगभग स्पीड 25 to 27 ही आ सकती है, मतलब कम आएगी। मतलब एक्सेलरेशन कब बढ़ेगा, जब टाइम कम होगा और वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी। वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी ने अगर पकड़ ली, मतलब चेंज ज्यादा चेंज हुआ और कम टाइम में वो चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी मैंने तो बता ही दिया, ठीक है। तो अब क्या है एक्सेलरेशन, मैंने बताया कि वेलोसिटी बदल गई, मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मान लीजिए अब चेंज आया वेलोसिटी में इन अ यूनिट टाइम, मतलब क्या हुआ एक्सेलरेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन सिर्फ चेंज ही नहीं, इन अ यूनिट टाइम, ठीक है, इन अ यूनिट टाइम हम इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, वेलोसिटी बदल जाती है। इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा या डायरेक्शन। अब मान लीजिए ये वेलोसिटी है, ठीक है, को वेलोसिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर मैग्नीट्यूड में बदलाव आया तो एक्सेलरेशन में भी आएगा, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड बदला तो वेलोसिटी बदलेगी, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड बदला तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, डायरेक्शन बदला तो भी एक्सेलरेशन चेंज होगा, और ये दोनों भी बदले तो भी एक्सेलरेशन चेंज होगा, ठीक है। तो क्या है एक्सेलरेशन, इट इज अ रेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज, ये गलती से इन आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ यूनिट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ कर लेता हूं, ठीक है। तो क्या है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट, इन अ यूनिट टाइम, ठीक है, इन अ यूनिट टाइम। तो हम इसको कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, पहले एक वेलोसिटी थी बाद में एक है, मतलब जो भी वी माइनस यू अपॉन टी, मैं वी भी बताऊंगा, ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। फाइनल मतलब अगर हम पहले जीरो पर थे, फिर 10 सेकंड के बाद, मान लीजिए 10 सेकंड के बाद मैंने 40 तक एक्सेलरेट कर दिया, तो ये जो मेरी मतलब ये स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी जो, तो वो होगी फाइनल वेलोसिटी। ये जो जीरो दिख रहा है आपको, मैं पहले जीरो पर था, मतलब मैं रेस्ट पर था, तो इसका अर्थ है ये है इनिशियल, मतलब पहले वाली जो जिससे हमने स्टार्ट किया, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। जब हम रेस्ट से मोशन में जाते हैं तब भी एक्सेलरेशन होता है, मोशन से रेस्ट में जाते तब भी एक्सेलरेशन होता है, यानी कि रिटार्डेशन, क्योंकि उसमें वेलोसिटी कम होती है लेकिन उसमें चेंज आता ही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी, यहाँ तो सबको पता ये टाइम है, ठीक है, ये टाइम है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब ये देखना है कि ये वेक्टर है या स्केलर। तो पहली बात तो ये वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि याद देखिए वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर ही होगा, वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी, और इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एसआई यूनिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसआई यूनिट में हमारे मार्क काटे जाते हैं कभी कभी, हम जब गलत यूनिट लिखते हैं, ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया, अब देखिए ये जो
ये चेंज इन वेलोसिटी है, उसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, और इसका टाइम का यूनिट तो सबको पता है सेकंड। तो जब ये सेकंड इधर आएगा तो ये क्या होगा, सेकंड सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर पर हावर स्क्वायर, लेकिन उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा आता ही नहीं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल में एक आधा न्यूमेरिकल ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो ये हुआ एक्सेलरेशन। अब रिटार्डेशन देखते हैं, अब रिटार्डेशन को हम यहाँ ही देखेंगे, रिटार्डेशन क्या है। तो चलिए अब रिटार्डेशन को हम देखते हैं। मान लीजिए अब वेलोसिटी है जीरो मीटर, मान लीजिए एक वेलोसिटी है उसमें चेंज आया, लेकिन चेंज कम भी तो हो सकता है, बढ़ भी सकता है, वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन चेंज तो हुई ना। अब जब वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तब हमको उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, और जब वेलोसिटी घटती है तब हम जो चेंज आता है उसमें हम उसको कहते हैं रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन। वैसे बोथ आर सेम, मतलब ज़्यादा उनमें फ़र्क नहीं, सिर्फ वेलोसिटी बदलने का फ़र्क है, चेंज इन वेलोसिटी। मान लीजिए जब एक्सेलरेशन निगेटिव आ जाता है, जब एक्सेलरेशन निगेटिव आ जाता है उस समय वो रिटार्डेशन हम उसको बोलते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, ठीक है, ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, आखिर कौन सा हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ बोला गया ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द स्टेशन एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। तो पिछले वीडियो में हमने कहा था कि किलोमीटर पर आवर से किसे मीटर पर सेकंड में जाए, ठीक है। तो अब देख 108 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड्स, ठीक है। तो मैं पहले इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि अब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो न्यूमेरिकल ये पहला वाला है, ठीक है। तो 108 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस कितना है, 108 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया गया है इधर, टाइम दिया गया है 20 सेकंड्स, ठीक है, 20 सेकंड्स का यहाँ टाइम दिया गया है। देखिए ये डिस्टेंस है और ये, और यहाँ स्पीड दी गई है, सॉरी यहाँ मैं गलती से मैं बोल गया, यहाँ स्पीड दी गई है 108 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है 20 सेकंड्स। तो अब हम पहले तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, पहले तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ, जो है 108, हमने सीखा भी है 108 इंटू 5/18, 18 1 18, 18 6 जो कि हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और व्हाट इफ इन द अनदर 15 सेकंड इट रिड्यूसेस द वेलोसिटी टू 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ अब हमें पूछा गया है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, हमें पता है एक्सेलरेशन क्या है, जो कि है वी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। तो यहाँ वी क्या है, वी है फाइनल वेलोसिटी। देखिए हमने यहाँ बोला है क्वेश्चन ने कि ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टेशन अटेन्स अ वेलोसिटी, देखिए उसने 108 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी पकड़ ली है, मतलब इन 20 सेकंड। तो यहाँ वी हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर, और उसको अगर हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो वो होता है 30 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर। u जो है इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वो रश से स्टार्ट हुए और अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, सो अपॉन टाइम जो कि दिया गया है 20, और वो हो गया 30/20 डेढ़ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, डेढ़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन यहाँ होगा। तो अब आगे भी क्वेश्चन दिया गया है और बोला गया है व्हाट इफ इन अनदर 15 सेकंड, देखिए अनदर 15 सेकंड इट रिड्यूसेस, मतलब रिटार्डेशन हुआ है, ठीक है, इट रिड्यूसेस द वेलोसिटी टू 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर, ये देखिए 54 किलोमीटर पर आवर पर जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस हुई है। तो अब यहाँ कितना होगा वेलोसिटी, स्पीड कितना होगा, जो कि वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर। देखिए अगर हमने इसको 54 इंटू 5/18 कर दिया, 18 1 3 ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो
तो ये हो गया इसका फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो व्हाट इफ इन अनदर 15 सेकंड इट रिड्यूसेस, रिड्यूस हुआ है, होने नहीं वाला, ठीक है, इट रिड्यूसेस 254 किलोमीटर पर आवर, और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो हमें निकालना है, टाइम दिया गया है 15 सेकंड, और हमें निकालना है रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन ही, कैलकुलेट इज एक्सेलरेशन। तो चलिए अब हम देख रहे हैं क्या होगा रिटार्डेशन। तो क्या है एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी, जो कि v कितना है इधर 15, देखिए 15 माइनस और 30 मीटर पर सेकंड का u, क्योंकि जो पहले 20 सेकंड में उसका जो फाइनल वेलोसिटी था वो था 30, और ये इधर है इनिशियल वेलोसिटी 15 माइनस 30 अपॉन टाइम दिया गया है 15 सेकंड, और ये हो जाएगा माइनस 15/15, और ये हो जाएगा माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। तो चलिए अब हमारा आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का, रिटार्डेशन कितना हो जाएगा 15 माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, ठीक है। तो चलिए अब हमें देखना है इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, और हमें देखना है अब इक्वेशंस ऑफ मोशन और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वी इज, पहले मैं लिख लेता हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, और ये बहुत काम आते हैं। पहली बात, ये तब यूज होते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, देखिए ये तब यूज होते हैं जब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहे, तभी ये इक्वेशन काम आते हैं, नहीं तो उस समय हम ये यूज नहीं करते जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है या दी गई है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तभी हम इसे यूज करें। तो पहली है v इज इक्वल टू u प्लस at। अब v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, जैसे कि हमने एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है उसमें पढ़ा है v इज इक्वल टू u प्लस at। यहाँ जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी है और a एक्सेलरेशन और t टाइम। तो चलिए अब इसको हम डिराइव कर देते हैं, हमने v जो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, ठीक है, जो फॉर्मूला एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u बाई t। तो अगर ये t यहाँ चला गया तो क्या होगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, माइनस यू इधर चला जाएगा तो क्या होगा, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू यू, और इससे हमें पता चला देयर फोर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया, ठीक है। तो कितना आसान था ये जो निकालना, इसका जो आंसर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बहुत आसान है इसको डिराइव करना, ठीक है। तो चलिए दूसरे इक्वेशन को देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हम इसे कैसे करेंगे, चलिए इसको हम डिराइव कर देते हैं। तो इसको हम डिराइव करते हैं, चलिए। तो हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है s बाई टी। तो मैंने पिछले लेक्चर में एवरेज वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला बताया था जो कि यहाँ डिराइव करने में हमें काम आएगा, वो है v, जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है s बाई टी। मैंने और एक फॉर्मूला बताया था v प्लस u बाई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अब हम यहाँ v जो है, अब इसमें क्या ऐसा है s प्लस इस इक्वेशन में जो इस इक्वेशन में है और इस इक्वेशन में नहीं है। तो ये v देखिए, इस इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन दिखी है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इसमें v नहीं है, लेकिन यहाँ v आ गया है, मतलब इस v को हमें हटाना है। तो v को हम कैसे हटाएंगे, ठीक है, तो हमें v की जो फॉर्मूला पता है, देखिए पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, ये यहाँ काम आएगी u प्लस ए टी, ठीक है, क्या आ जाएगी ये देखिए, अब यहाँ s बाय टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी प्लस यू बाय, ठीक है, तो ये आ जाएगा एस बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस यू, यू और यू जो हो जाएगा टू यू, ठीक है, एस बाय टी इज इक्वल टू टू यू प्लस ए टी बाय टू। देखिए अब हम यहाँ करेंगे एस बाय टी इज इक्वल टू टू यू बाय टू प्लस ए टी बाय टू, टू टू यहाँ कट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, एस बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई टू, ठीक है, ए टी बाई टू, तो यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या रहेगा यार, चलिए देखते हैं।
तो चलिए ये क्या हो जाएगा, यस इज इक्वल टू यू टी का ये स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए टी का ये स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ए टी स्क्वायर बाय टू, ठीक है। तो यहाँ यू टी बाय स्क्वायर नहीं, मुझे ये लगा टी है, तो यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय टू, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारी जो इक्वेशन है दूसरी वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये आसान सा, मतलब थोड़ा लंबा था इसे, लेकिन थोड़ा इसमें टाइम लगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए अब हम तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन पर चलते हैं, पहले मैं इसको रफ कर लूं। तीसरी थोड़ी आसान है इससे, लेकिन इससे ही होगी वो डिराइव जो होगी ना, वो एस टी यस बाय टी इज इक्वल टू वी प्लस यू बाय टू से ही होगी। तो चलिए अब हम दूसरी को देखते हैं। तो चलिए तीसरी जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आज तीसरी है, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये किससे डिराइव होगी, चलिए देखते हैं। एस बाय टी इज इक्वल टू वी प्लस यू बाय टी, जैसे कि ये भी यहाँ हेल्पफुल होने वाला है, वी बाय टी नहीं, यहाँ वी बाय टू, ठीक है, वी बाय टू, वी प्लस यू अपॉन टू, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या ऐसा है, ऐसा क्या नहीं है जो इधर है। अब आपको लगेगा कि यहाँ टी है, टी है, तो टी को हम किससे रिप्लेस करेंगे, देखिए हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, वी प्लस वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो यहां से टी क्या निकल जाएगा, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, देखिए इससे ये फॉर्मूला आ जाएगा, वी माइनस यू अपॉन ए। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ, एस बाय वी माइनस यू अपॉन ए, ये लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस यू अपॉन टू, तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है, अपॉन इनटू, ठीक है।